Hello students, a very good morning to all of you. So students, today we are going to start the chapter number first of your social studies book. Okay, now lesson number one, which is the Northern Mountains. Okay, the first chapter of your book is the Northern Mountains. ठीक है, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ना है? उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में. ठीक है, कि जो हमारा जो नॉर्थ एरिया है, वहाँ के जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स जो लाई करते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माउंटेन्स विच लाई इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया. ओके, एज यू नो दैट देर आर फोर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. सो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन्स दैट लाइज इन द north of the India. Okay, and जो हमारा northern most part है इंडिया का, ठीक है, वहाँ पर जो भी mountains पाई जाती है, वहाँ के जो mountains हैं, जो north के हमारे इंडिया में जो जितने भी mountains हैं, जितने भी पहाड़ हैं, वो किसका काम करते हैं? एक दीवार का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? दीवार की तरह हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं, जिनसे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों से वो हमें बचाते हैं. जैसे कि कुछ हवाएं जो हैं आती हैं, उनसे भी हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. कई बार कई ऐसे अटैक से हमें बचाते हैं. तो वो क्या है, बिग वॉल का काम करते हैं. ठीक है, दीवार का जो है वो काम करते हैं. ठीक है, और ये माउंटेन्स क्या करती हैं, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में जितने भी हमारे नेबर्स हैं, ठीक है ना, नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी. ठीक है, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनसे हमें क्या करती हैं, ये सेपरेट करती हैं, है ना. कई बार क्या होता है कि अगर ऐसे बॉर्डर है, नॉर्मल बॉर्डर है, तो कई बार वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, इतना एरिया हमारा है. तो कई बार हमने जो बॉर्डर बनाया होता है, कई बार कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो उस बॉर्डर को भी क्रॉस करके जो है अपना हमारे और ज़्यादा अंदर तक आ जाते हैं. ठीक है ना, और ज़्यादा एरिया वो है कवर कर लेते हैं. बट दीज माउंटेन्स एक्ट एज अ हाई वॉल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेरी मोस्ट ऑफ द कंडीशंस. कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नॉर्थ साइड में, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उससे वो क्या करते हैं, हमें सेपरेट करते हैं. क्या करती हैं? सेपरेट करते हैं. ठीक है, तो हमारे जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं ना, हमारी क्या है, वहाँ पे टू रेंजेस आती हैं. कितनी आती हैं? टू रेंजेस आती हैं. जो मेन हैं वो टू रेंजेस हैं. रेंजेस होती हैं, हिंदी में हम इनको बोलते हैं श्रृंखला. ठीक है, जहाँ फिर हम बोलते हैं एक सीरीज, मतलब कि एक जो है वो चेन की तरह आती है, एक नंबर में, एक ही लाइन में आते हैं. ठीक है, तो टू रेंजेस आती हैं. फर्स्ट जो आती है वो आती है हमारी काराकोरम रेंज, एंड सेकंड आती है हिमालयस. ठीक है, काराकोरम एंड सेकंड आती है हिमालयस. ठीक, ये टू क्या है, हमारी रेंजेस हैं, जिसकी माउंटेन्स की. ठीक है, रेंजेस मतलब कि ये जो जैसे काराकोरम और हिमालयस हैं, इनमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे माउंटेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये एक रेंज है, इन इन उन सभी माउंटेन्स को मिला के फिर क्या हम कहते हैं कि ये क्या है, हिमालयन रेंजेस हैं. ठीक है ना, हिमालयन रेंजेस मतलब कि उस हिमालयस में और भी बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालयस की, हिमालयस के बारे में सभी ने सुना है. तो जो हिमालयस है, या हिमालय के जो रेंजेस हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको हम बोलते हैं अबोड ऑफ स्नो. ठीक है,
एबॉड का मतलब क्या होता है? एबॉड का मतलब हिंदी में होता है निवास, या उसको हम घर भी बोलते हैं, ठीक है। कि इसे क्या बोला जाता है, हिमालय को बर्फ़ का निवास है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, क्योंकि जो हिमालय की रेंजेस हैं, हिमालय माउंटेन्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्नो होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे थ्रू आउट द एयर यहाँ पे स्नो रहती है। ओके, सो इट द हिमालयन रेंजेस आर नोन एज द एबॉड ऑफ स्नो, ठीक है। एंड अब जो जो हिमालयस हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ था, इनका मतलब हमें कैसे हिमालय का जो ओरिजिन हुआ था, ये हुआ था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारे ज़मीन के अंदर, जो कुछ प्लेट्स होती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब ये प्लेट्स जो थी आपस में टकराई, ठीक है, इनका कोलिजन हुआ, इनके जो है टक्कर हुई, उस वजह से उनसे क्या हुआ कि जो भी पहले छोटे छोटे पहाड़ होंगे, जो कुछ भी होगा, उनसे जो है फिर ये हिमालयस जो है इनका ओरिजिन हुआ, ठीक है। हिमालय का ओरिजिन किसकी वजह से हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन की वजह से, ठीक है। और जो हिमालय है इसको क्या बोला जाता है, हिमालयस आर नोन एज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। हिमालयस को क्या बोला जाता है, हिमालयस आर नोन एज द हिमालयस आर नोन एज द इनको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ओके, कि दुनिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं ना, ये तो नहीं है कि सिर्फ एक ही है, जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से सबसे जो हाईएस्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो किसको बोला जाता है, हिमालयस को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, हिमालयस को, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमालयस है इसमें और भी छोटे छोटे माउंटेन्स पीक्स जो है वो पाई जाती हैं ना, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पहाड़ का नाम जो है वो हिमालयस है, नो, हिमालयस में और भी छोटे छोटे पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, चोटियाँ जिनको हम क्या बोलते हैं, पीक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीक्स, है ना। तो जो सबसे हिमालयस की जो सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट हाईएस्ट पीक है, किसकी, ऑफ हिमालयस की, ठीक है। क्या है वो, हिमालयस की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हिमालय एक रेंज है और उसमें जो है वो छोटे छोटे और भी बहुत सारी पीक्स और माउंटेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। और हिमालयस में जो सबसे हाईएस्ट पीक आती है वो कौन सी आती है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और वो कितनी, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करती है, जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे लाई करती है, ये लाई करती है नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट जो है वो लाई करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हिमालयन रेंज की हम हाईएस्ट पीक की बात करें, ठीक है, हिमालयन रेंज की, ठीक है, और हिमालयन रेंज ये तो आ गई माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में, ठीक है ना। वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पाई जाती है, वो हिमालयन रेंजेस में पाई जाती है, और उसका नाम क्या, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। है वो भी इंडिया में, बट अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया,
हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक इंडिया में जो है वो कौन सी है? कंचनजुंगा। कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, इंडिया में जो हिमालयन रेंजेस की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, और ऐसे अगर वर्ल्ड में हम बात करें कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालयन रेंजेस की, तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ओके, समझ आए सभी को कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है ना, पहले तो हमने बात की कि वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालयस की, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है उसकी हिमालयस की, वो कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, कौन सी है? कंचनजुंगा। ठीक है, अब ये जो हिमालयस है ना, ये हिमालयस क्या है? हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस किन्हें बोला जाता है? हिमालयस को ही बोला जाता है। हिमालयस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। एंड इनकी जो रेंजेस हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक हैं? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, सभी अपने अपनी बुक्स देखिए देखिए, ये आपका मैप है ना। ठीक है, जैसे ये आ गया आपका, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब जो हिमालयस हैं ये कहाँ से कहाँ तक है? ये कश्मीर से, ये आ गया आपका कश्मीर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सारे हिमालयस आ रहे हैं। ठीक है, ये सारा इसका एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके, और ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक पूरा क्या आता है आपका? हिमालयन रेंजेस आती हैं। ठीक है, कौन सी आती है? हिमालयन रेंजेस। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? वेस्ट, मतलब कश्मीर जो है ये वेस्ट में है ना, यहाँ से इसके वेस्ट से स्टार्ट होती है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक ये आती है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इसका डिस्टेंस कितना है? 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है इनका? 2400 किलोमीटर। ओके, एंड इसकी जो विड्थ है ये क्या है? इसका डिस्टेंस आ गया। एंड नो, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है चौड़ाई जो होती है। ठीक है ना, विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। ठीक है, ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी विड्थ कितनी है? वो है 240 से 320 किलोमीटर तक। ठीक है, कितनी है इसकी विड्थ? 240 से 320 किलोमीटर तक। ठीक है, और अब अगर हम बात करें, अगेन लुक एट योर मैप। ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें, ठीक है ना, जैसे ये आ गया आपका नॉर्थ और ये आ गया आपका ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारे हिमालयस हैं, ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से हमारे हिमालयस यहाँ तक आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये आ गया हमारा, यहाँ पे भूटान है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भूटान। ठीक है, ये सारा इंडिया का बॉर्डर चल रहा है, ये सारा इंडिया का बॉर्डर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया और ये भूटान। ठीक है, यहाँ पे हिमालयस जो हैं ये साउथ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आए। ठीक है, ये सारा इंडिया का बॉर्डर है, ये यहाँ पे किसका आ गया? भूटान का। और यहाँ से जब ये यहाँ पे हिमालयस किस तरफ मूव होने स्टार्ट हो जाते हैं? साउथ की तरफ। किसकी तरफ? साउथ की तरफ। ठीक है, और इस एरिया में जो हमारे हिमालयस पाए जाते हैं यहाँ पे, इनको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि ये कहाँ से? नॉर्थ से आई हैं और ईस्ट में। ठीक है ना, नॉर्थ से चलना स्टार्ट हुई, ईस्ट तक आई, और फिर ईस्ट से ये साउथ की तरफ मूव कर रही हैं, है ना, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इनको हम, पूर्वांचल, ठीक है, और क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे जो हिमालय रेंजेस पाई जाती हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो रेंजेस हैं ये मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं होती, छोटी छोटी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हिमालय रेंजेस जो हैं ना, हिमालय रेंजेस क्या होती हैं, ये हमेशा स्नो से कवर रहती हैं। किससे कवर रहती हैं, स्नो से कवर रहती हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ के जो इन रेंजेस का जो मोस्टली पार्ट है ना, वो 500 मीटर अबव, सॉरी 5000 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। कि ये क्या है, सी लेवल से 5000 मीटर अबव है, ऊपर है ज़्यादा, मतलब 5000 मीटर अबव है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या रहती है, स्नो रहती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है ना। सी लेवल से ऊंचा है, और जैसे जैसे ऊंचे आप जाते जाओगे वहाँ पे क्या होती जाती है, ठंड होती जाती है ना। जब हम नीचे हैं, अब हम जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते जाओ, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जो हिमालयन रेंजेस जो हैं, ये क्या है, ये सी लेवल से 5000 मीटर क्या है, अबव है, ऊंचे हैं, ठीक है ना। और जैसे जैसे जितना ये ऊंचे जाते जाएंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, ठंड होती जाएगी। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम स्नो रहती है। और मैक्सिमम नहीं, मतलब आपके यहाँ हमेशा यहाँ पे स्नो ही रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा साल क्या रहती है, स्नो रहती है, ठीक है। उसके बाद ये तो आ गया हमारा हिमालय रेंजेस का, ठीक है। अब इसी तरह से सेम आ जाएगा आपका काराकोरम रेंजेस का, ठीक है ना। काराकोरम रेंजेस भी हमने क्या, हमने पहले यही पढ़ा कि टू रेंजेस हैं, है ना। एक तो आ गई हिमालय रेंजेस, और सेकंड आ गई हमारे काराकोरम रेंजेस, ठीक है ना। हिमालय रेंजेस का हमने पढ़ लिया कि जो हिमालय रेंजेस हैं उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की, है ना, और इंडिया में उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो हिमालय रेंजेस की हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। और अगर इंडिया में उसकी हाईएस्ट पीक की हम बात करें तो वो कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है ना। ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगी काराकोरम रेंजेस के बारे में, अब सेकेंड रेंज के बारे में भी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो कहता है कि जो काराकोरम रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं K2 बोलते हैं, या हम उसको बोलते हैं गॉडविन अस्टिन, ठीक है, गॉडविन अस्टिन। या तो हम उसको क्या बोलते हैं, K2 बोलते हैं, या हम बोलते हैं गॉडविन अस्टिन, ठीक है। ये K2 जो है ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज और किसकी, काराकोरम रेंज की, ठीक है ना। क्या है, हाईएस्ट पीक है ये, किसकी, काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक, ठीक है। जैसे उसकी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा थी, वैसे ही काराकोरम रेंज की, क्योंकि रेंज का मतलब, रेंज आ जाती है एक सीरीज, एक श्रृंखला, ठीक है ना। जैसे कि बड़े सारे पहाड़ों को मिलाकर एक रेंज बनती है, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं, तो वैसे ही उनको नाम दे दिया गया फिर कि हिमालयस, वैसे काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज में भी क्या है, बहुत सारे पहाड़, चोटियाँ, मतलब माउंटेन्स, पीक्स जो हैं वो पाई जाएंगी, ठीक है ना। तो उनमें से जो सबसे हाईएस्ट होगी, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट रेंज, ओके। कि जो सबसे हाईएस्ट होगी उसको बोला जाएगा कि ये इस रेंज की, अब जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन रेंज की है, अब उसको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, नो, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज, ठीक है ना, क्योंकि वो हिमालयस के पहाड़ों में पाई जाती है, हिमालय के पहाड़ों में पाई जाती है।
एंड इसी तरह इन द सेम वे केटू इज और गॉडविन अस्टन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम रेंज, कि वो किस रेंज में पाई जाती है, काराकोरम की, काराकोरम के जो पहाड़ हैं उनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची पीक जो है वो कौन सी है, केटू है, कौन सी है, केटू और गॉडविन अस्टन। ठीक है, तो इस तरह से काराकोरम रेंज की कौन सी आ गई, केटू और गॉडविन अस्टन। ठीक है, अब ये जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, ये कौन कौन से बॉर्डर्स को टच करती है, ये टच करती है इंडिया, इंडिया के बॉर्डर को, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, कौन कौन से बॉर्डर्स को मिलती है इंडिया की, ठीक है ना, मतलब यहाँ आप ये कह सकते हो कि ये जो है काराकोरम रेंजेस कहाँ तक फैली हुई हैं, कहाँ तक एक्सपैंड हैं, तो ये इंडिया में है, पाकिस्तान एंड देन चाइना। ठीक है, और इंडिया में जो है ये कहाँ पे लोकेट करती है जो काराकोरम, देखिए सी अगेन द मैप, कि जो इंडिया में है ना, वैसे तो ये कहाँ से है, ये आ गई पाकिस्तान से होती हुई, ठीक है, फिर ये यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद चाइना में, ठीक है, ठीक है, ये आ गई यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, एंड देन, ठीक है। अब इंडिया में जो है ये कहाँ पे पाई जाती है काराकोरम रेंज, ये जो हमारी ये वाला एरिया है J&K का, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है यहाँ पे काराकोरम रेंज पाई जाती है, यहाँ पे, ठीक है ना, इंडिया में जो है कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। तो इंडिया में उन्होंने कहा कि जो काराकोरम रेंज है ये कहाँ पे पाई जाती है, डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्प्यूटेड का मतलब आ जाता है, डिस्प्यूटेड होता है विवादित, ठीक है, विवादित मतलब जहाँ पे, मतलब जैसे इंडिया वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं वो हमारा है, मतलब वहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट है ना। तो अगर हम जनरल हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि काराकोरम रेंज जो है वो इंडिया में कौन से, इंडिया के कौन से पार्ट में पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, ठीक है, कहाँ पे फैली हुई है वो, कहाँ पे है, J&K में, ठीक है ना, क्योंकि J&K इज़ ऑलरेडी अ डिस्प्यूटेड लैंड, तो इसीलिए उन्होंने J&K को क्या बोला हुआ है, डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो काराकोरम रेंज कहाँ पे है, इंडिया में, इंडिया में वो है इन द डिस्प्यूटेड लैंड ऑफ, या आप सिंपली यू कैन से दैट इन इंडिया काराकोरम रेंज लाइज इन द जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब उसके बाद आ जाता है कि काराकोरम रेंज जो है ये क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस इन एशिया। ठीक है, कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सेवन है ना, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। अब उन सेवन कॉन्टिनेंट्स में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है कौन सा है, एशिया है ना, एशिया क्या है, एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब एशिया में जो सबसे बड़े माउंटेन रेंज है, जो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है एशिया की, वो कौन सी है, वो है काराकोरम रेंज। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, काराकोरम रेंज इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। ठीक है, कि काराकोरम रेंज क्या है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। ठीक है, कौन सी है, काराकोरम रेंज। ओके, काराकोरम रेंज इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। ठीक है, अब वैसे तो जो है काराकोरम रेंज और हिमालयाज रेंज जो हमने पढ़ी, ये दोनों अलग अलग है ना, कि ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्ट नहीं करती हैं, मतलब टच नहीं करती हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, बट जब हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ना होता है तो हम काराकोरम को भी हिमालयाज में ही मिक्स कर देते हैं, है ना, कई बार हम
जब हम काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि काराकोरम भी कहाँ पे लाई करती है, हिमालयस में, ठीक है। बट अगर ऐसे देखा जाए तो काराकोरम जो है वो अलग रेंज है और हिमालयस जो है वो अलग रेंज है। बट कई बार हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और इनको हम एक ही नाम दे देते हैं कि ये क्या है, हिमालयन रेंजेस है। हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हिमालयन रेंजेस है। बट ये दोनों क्या है, डिफरेंट है ना। अब जो हिमालयस हैं इसके पैरेलल में थ्री रेंजेस बनती हैं, वेस्ट से ईस्ट में जब हम जाएं, ठीक है। अब जैसे ये हिमालयस, ये हमारा हिमालयस है ना। इसके पैरेलल में जो है, जैसे वेस्ट से जब हम ईस्ट में चलते हैं तो तीन रेंजेस आती हैं, ठीक है। और वो रेंजेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, थ्री रेंजेस आती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है द ग्रेट, हिमालयस, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, ग्रेट हिमालयस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, हिमाद्री। सेकंड हमारे पास आती है द लेसर हिमालयस, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल, ठीक है। एंड थर्ड हमारे पास आती है द शिवालिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस, ठीक है। हमने इस चैप्टर में इन सभी के बारे में जो है वन बाय वन हमने इनका रीड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो रेंज आती है वो कौन सी आ जाती है, हमारी ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ये किसकी रेंजेस चल रही हैं, हिमालयस की, ठीक है। किसकी है, हिमालयस की। और ये कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब हम चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाती है, ग्रेट हिमालयस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं द लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस को हम हिमाचल भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, हिमाचल बोल देते हैं। तो जो हिमाचल का, हिमाचल हमारी स्टेट है, तो हिमाचल में जो वहाँ पे जो हिमालय की रेंजेस आती हैं वो कौन से हिमालयस आ जाते हैं, लेसर हिमालयस। कौन से आ जाते हैं, लेसर हिमालयस। और थर्ड हमारे पास आती है शिवालिक रेंजेस। तो जो शिवालिक रेंजेस हैं उनको हम बोलते हैं आउटर हिमालयस। जैसे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हिमालय की रेंजेस हैं वो कौन सी हैं, शिवालिक रेंजेस हैं। कौन सी हैं, शिवालिक रेंजेस हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से सबसे पहले हमारे जो हिमाद्री जो है, ये क्या, ग्रेट हिमालय, मतलब यहाँ पे जो रेंजेस होती हैं ये बहुत हाई होती हैं। कौन सी होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेंजेस जो है हिमालयस की, उनको क्या नाम दे दिया है, हिमाद्री। क्या नाम दिया है उनको, हिमाद्री, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करती हैं, ये लाई करती हैं नॉर्थ में। कहाँ पे लाई करती हैं ये हिमाद्री जो है, हिमाद्री रेंजेस, ये लाई करती हैं नॉर्थ में, ठीक है। ठीक है, और इसी हिमाद्री में ही जो है हमारे कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है लाई करते हैं, ठीक है। कहाँ पे लाई करती हैं वो, हिमाद्री में ही। जो कंचनजुंगा है पीक है और जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पे लाई करती हैं, हमारे ग्रेट हिमालयस में, ओके। और भी बहुत सारी यहाँ के क्या हैं, बहुत सारी पीक्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारी छोटी छोटी और भी बहुत सारी पीक्स हैं जो ग्रेट हिमालयस में लाई करते हैं। बट जो हमारी टू हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयस की, वो भी कहाँ पे लाई करती हैं, हमारी ग्रेटर हिमालयस में, ठीक है। और जो अब जैसे ये ग्रेट हिमालयस कहाँ पे, नॉर्थ में आ गया है ना, तो जो लेसर हिमालयस हैं यहाँ पे, ये कहाँ पे, साउथ, साउथ की जितनी भी रेंजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस। क्या बोलते हैं उनको हम, लेसर हिमालयस,
ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं, इस रेंजेस में क्या होती है, बहुत सारी वैलीज। वैलीज क्या होती हैं, घाटियाँ जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैलीज जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इन रेंजेस में विंटर्स में स्नोफॉल वगैरह होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी शिवालिक्स हैं, ठीक है, ये भी कहाँ पे हैं, ये भी साउदर्न मोस्ट रेंज में पाई जाती हैं, ठीक है ना। बट और ये क्या है, हिमालयस के फुट हिल्स में, ठीक है ना। हिमालय से थोड़े जो हिमालय के जो बेस है, जो बेस में आ जाती हैं जो हिल्स, उनको क्या बोला जाता है, शिवालिक हिल्स, ठीक है। ठीक है। और इस रेंज में क्या होता है, इस रेंज में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन रेंजेस में, ठीक है। जो शिवालिक्स है ना, यहाँ पे ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह। तो इन सब के बारे में डिटेल में हमने नेक्स्ट चैप्टर में करना है, सॉरी इसी चैप्टर में करना है बट नेक्स्ट करना है हमने, ठीक है। तो आज हमने इसी के बारे में स्टडी किया, आज हमने किसके बारे में स्टडी किया, इन टू रेंजेस के बारे में, ठीक है ना। तो कौन कौन से टू रेंजेस जो है इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है हर टाइप का लैंडफॉर्म हमें मिलेगा, ठीक है ना। इंडिया में आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, इंडिया में आपको वैलीज भी मिलेंगी, इंडिया में आपको डेजर्ट भी मिलेंगे, इंडिया में आपको पीक्स भी मिलेंगी, इंडिया में आपको प्लेन एरिया भी मिलेगा। हर टाइप का लैंडफॉर्म जो है वो आपको इंडिया में मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है ना। डेजर्ट भी है हमारे इंडिया में, प्लेन एरियाज भी हैं, माउंटेन्स हिली एरियाज भी हैं, वैलीज भी हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी उन्होंने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो माउंटेन्स के बारे में है, कि हमने जो है माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, बट कौन सी माउंटेन्स जो नॉर्थ में पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे तो हमारे फोर डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, बट उन्होंने पर्टिकुलर हमें कौन सी माउंटेन्स के बारे में बोला है, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में, ठीक है ना। कि जो हमारा जो नॉर्थ है वहाँ पे जो माउंटेन्स पाई जाती हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हम कहाँ रहते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, तो ये स्टेट कौन सी डायरेक्शन में लाई करते हैं, ये भी नॉर्थ में ही लाई करती है, कहाँ लाई करती है, नॉर्थ में, ठीक है। इसी तरह से हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। और हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया, हमने इसमें स्टडी किया कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, जो नॉर्थ पार्ट में जितने भी माउंटेन्स हैं, ये किसका काम करती हैं, एक दीवार का काम करती हैं, ठीक है ना। किसका काम करती हैं, ये एक दीवार का काम करती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारी जो कंट्री है इसे इसके नेबर